एक दिन भगवान कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि अभी मैं भक्तों के या घरों पर चलेंगे कि दूर संभाल के आते हैं अपनी फसल को, कौन कौन चलेगा? एक तो बाजीद जी और एक कमाल। कमाल कहने लगा, महाराज जी मैं तो आपके साथ अवश्य चलूँगा, आपकी सुविधाओं का सब ध्यान थोड़े रख सकते हैं। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी बोले, ठीक है बेटा चलो। अब वो फरीद जी ना वो वाजिद जी जिसने राज त्याग दिया था, मुसलमान थे वह, और जंगल में जाकर बैठ गए थे, वहाँ भी परमात्मा उनको मिले थे। बेटा घर त्यागण थे राज त्यागने से और जंगल में कुटी बना लेने से परमात्मा प्राप्ति अल्लाह प्राप्ति नहीं होगी। जब तक आपकी साधना ठीक ना होगी तब परमेश्वर ने उनको ज्ञान दिया था, उसके बाद वो मालिक के पास आ जाते थे, सच सुनते थे और फिर अपनी कुटिया में चले जाते थे। तो वो बाजिद जी और कमाल जी और परमेश्वर जी तीनों चल पड़े। उधर से सम्मन नेक्की और उनका पुत्र सेऊ, जो 12-13 वर्ष की उम्र का था वो लड़का कह रहा था अपने माता पिता से कि माता कभी भगवान का हमारे गुरुदेव अपने घर पर भी आ जाएंगे। अब माँ कह रही थी, बेटा उनके तो लाखों शिष्य हो गए हैं, अब किस किस के घर जाएंगे, वो तो हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं बेटा, वो तो पल भी दूर नहीं होते। सेऊ कहता है, माता आपकी बात सही है, लेकिन कुछ लड़के कह रहे थे, वहाँ हम खेलते हैं ना, कुछ कह रहे थे कि तुम्हारे गुरु तुम्हारे घर आते हैं कभी, तो मैंने उनसे यही कहा था कि हमारे गुरु जी के तो लाखों शिष्य हैं, किस किस के घर जाएंगे भैया, हमारे तो साथ ही रहते हैं। तो वो मुझे चिढ़ा रहे थे कि तुम्हारे गुरुजी तो राजाओं के घर जाते हैं, सिकंदर लोधी के घर जाते हैं, वीर सिंह बघेला काशी के नरेश के घर जाते हैं, तुम्हारे घर कंगाल के कौन आएगा, ये गुरु लोग तो बड़े बड़े लोगों के पास ही जाते हैं। तुमने किन कहा, बेटा ऐसा मन में भी मत लाना, हम अपने भगवान अपने गुरुदेव से परिचित हैं, उनको राजा और रंक एक समान है, आप ये बात बेटा फिर ना दोहराना। तो फिर कहता है लड़का कि माता जी मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरी आत्मा ये कह रही है उनका मुंह बंद हो जाएगा, एक बार गुरु जी अपने घर आ जाए। तब उन सम्मन ने कहा, बेटा हमने समाज को नहीं देखना, कौन क्या कह रहा है, पता नहीं कल कोई कुछ कहेगा, इस समाज की देख करके तो श्री रामचंद्र जी ने अपना नाश कर लिया था, एक धोबी के कहते हैं सीता जी को घर से निकाल दिया, क्या समझदारी करी उन्होंने, क्या सुने समाज की। जब सीता जी को श्री रामचंद्र जी रावण की कैद से छुड़वा कर लेकर चलने लगा, तब उसके मन में यही बात आई थी कि लोग वहाँ व्यंग मारेंगे, यूँ कहेंगे दशरथ का पुत्र रामचंद्र और सीता 12 वर्ष तक उसके रावण के पास रही, उस औरत को स्वीकार करके ले आया, ये उल्टा है। उसके लिए उसने सीता से शर्त रख दी थी कि रावण भी मार दिया, कई करोड़ सैनिक मर गया आपस में लड़कट के, और सीता को छुड़वा लिया, और फिर भी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मैं परीक्षा लेकर ही तुझे ले चलूँगा घर पे, नहीं मैं समाज का सामना नहीं कर सकता। क्या परीक्षा लूँगा कि अग्नि में जला कर देखूँगा, जब जलते गई तो मर जाएगी तो उल्टा है, और नहीं जली अग्नि में तो तू बिल्कुल निष्कलंक है। ऐसा ही हुआ था, अग्नि में सीता जी को बैठा दिया गया था और वो भी सहर्ष बैठ गई थी, ठीक है आप किसी तरह परीक्षा लो, मैं अपने धर्म पर सत्य हूँ सही हूँ। अग्नि ने सीता जी को जलाया नहीं था, सहकुशल बैठी रही थी, कुछ नहीं हुआ। तब श्री रामचंद्र जी को संतुष्टि हुई थी और सीता को घर ले आए थे। रात को एक धोबी रात्रि के समय भेष बदल कर रामचंद्र जी घूम रहे थे अपने अयोध्या में नगरी में, के कोई मेरे शासन काल में कोई दुखी प्राणी ना हो, उसकी पुकार मेरे तक ना पहुंची हो, किसी कारण से राज दरबारी ना लाए हो, तो स्वयं जानना चाह करते थे, नगरी में घूमा करते थे। एक धोबी अपनी धोबन ने पीटन लाग रहा, और वो किस दोष में पीट रहा था, उसकी पिटाई कर रहा था कि वो लड़ झगड़ के
घर से चली गई थी और 2-3 दिन में वापस आई थी। तो वो कह रहा था कि मैं दशरथ के पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूँ। 12 वर्ष तक रावण के पास रहने के उपरांत सीता को घर ले आया है। अब रामचंद्र जी वापस आ गए और सुबह अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया जबकि वह गर्भवती थी। अपने आत्माओं आमीन को मर्यादा पुरुषोत्तम कहें और बड़े अच्छे न्यायकारी कहें। यू के न्याय किया उस राजा ने एक गर्भवती स्त्री को, और जबकि परीक्षा लेकर आया उसने अपना कॉन्फिडेंस क्या रहा समाज के सामने, समाज तक पता नहीं क्या क्या कहेगा कल ने, अपना विवेक कहाँ गया उनका। और हजारों आदमियों के सामने उसने परीक्षा ली थी सीता जी की, अग्नि में नहीं जली थी वो, और सबको पता था, सबने बता दिया था ऐसे ऐसे माता निष्कलंक है, और फिर अपनी क्रियाओं पर विश्वास नहीं हुआ और एक गर्भवती लड़की को अपनी पत्नी को बाहर निकाल दिया। और कारण क्या बताया कि मैं लोगों की दंत ये व्यंग नहीं सहन कर सकता। फिर कल ना कोई किसी और के बारे में कह देगा, कोई परसों माँ के बारे में कह देगा, उनको भी निकाल देना। अरे अपना कॉन्फिडेंस हो राजा का, लोगों के कहने से क्रिया करता है फिर राजा ठीक नहीं है। तो पुण्यात्मा घर से निकली थी सीता और कलेजा दड़का मारा, अब कैसे उसने अपना जीवन निर्वाह किया होगा, कहाँ कहाँ गई होगी, कि ना जाने किस प्रकार के दुष्ट लोग जंगलों में रहते होंगे, कैसे परेशान करने की चेष्टा की होगी। चल ना भी हुई हो लेकिन एक सोचा जा सकता है, और रैम नहीं भगवान के, और उसको हम भगवान का आ करते। सम्मन ने अपने पुत्र से ये कहा कि बेटा समाज की नहीं सुना करते, हमने अपने गुरुदेव की बातों पर विश्वास होना चाहिए, उनके प्रत्येक क्रिया पर विश्वास हो बेटा। इतनी कुछ चर्चा वो कर ही रहे थे आपस में, इतने में वो तीनों परमात्मा कबीर देव जी और दोनों उनके शिष्य बाहर एक थोड़ी सी दूरी पर एक छोटा सा छप्पर डाल रखा था मेन गेट के, उसके बीच में था उनका मेन गेट, और पीछे वो बातें कर रहे थे, उससे बीच में आंगन था और पीछे एक झोपड़ा और डाल रखा था और उसमें बैठे वो बातें कर रहे थे। आवाज लगाई परमेश्वर ने कि भाई कोई है घर पे। अब नेकी ने कहा कि बाहर ऐसा लगता है जैसे गुरुदेव जी बोले हों। अब समन कहने लगा कि आप चर्चा कर रहे हैं ना भगवान की, इसलिए हमें हमारे कान बाज रहे हैं, परमात्मा यहाँ कैसे आ सकते हैं इतनी दूर। तो थोड़ी देर में फिर आवाज़ लगाई कि अभी समन है क्या घर पे। अब फिर तो उनकी तीनों की एकदम उधर ही नज़र गई, सामने देखा, देखा परमात्मा गेट के बाहर खड़े हैं, तीनों आ गए नंगे पैरों, और यूँ खड़े होकर तीनों मुंह की तरफ देख रहे हैं कि हम सौपन तो नहीं देख रहे हैं, सचमुच परमात्मा यहाँ आ गए हैं क्या, आंखें मल रही हैं, आंखों में आंसू आने लग गई है। अब ये कहना भी भूल गए, कहा जो अंदर प्रवेश करो गुरुदेव। तब कमाल ने कहा कि गुरु जी को यहीं खड़ा रखोगे क्या, अंदर भी तो ले जाने की कहो। तब उनकी वो एकदम सपना सा टूटा कि आ जाओ भगवान अंदर आ जाओ। अब अंदर जाके एक जैसा भी फटा पुराना बिछौना था, कोई गद्दा था, वो बिछा दिया, बैठो भगवान, शाम का समय हो गया था। अब सम्मन बैठ गया गुरुदेव के पास, चर्चा हुई, कुशल अक्षेम पूछा, हे भगवान बड़ी दया करी, हे मेरे दाता, हम तो अभी आपकी चर्चा कर रहे थे, आपका बच्चा ये सेव कह रहा था, आप तो अंतर्यामी हो, आपने इस बच्चे की पुकार सुन ली, आज ही अभी चर्चा कर रहे थे हमारे गुरुदेव जी, हमारे घर भी कभी आ सकते हैं, हम इनको समझा रहे थे, आप तो अंतर्यामी हैं हे मालिक, आप तो सब जानते हो, आप जैसे सुन ही रहे थे हमारी, आपने तुरंत हमारी आशा इच्छा की पूर्ति कर दी। ऐसी चर्चाएं कर रहा था, कुछ देर के बाद कहा भगवान भोजन का सुनाओ, भोजन की कहो बात। तब कबीर परमेश्वर ने कहा बेटा पैदल चल कर आए हैं, भूख लगी हम सबको, भोजन तैयार करो।
अब संबंध घर पे आया अपनी पत्नी के पास, अंदर जहाँ उनका अपना अलग झोपड़ा था झोपड़ी में, और कहा नेकी खाना बनाओ गुरुदेव के लिए, भूख लगी है। अब नेकी ने कहा कि हमारे अपने घर पे आज एक अन्न का दाना भी नहीं है और न ही आटा है। अब संबंध ने कहा कि जाओ किसी से उधारा ले आओ। नेकी कहती है मैं कई घरों में गई थी और उनसे मैंने प्रार्थना की है कि आज हमें आटा उधारा दे दो, लेकिन कोई नहीं दे रहा है। मैंने उनसे बता दिया हमारे गुरुजी आए हैं और हमने भोजन बनाना है, आटा दे दो, उधारा दे दो। अब सभी क्या कह रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं उनके साथ मजाक कर रहे हैं, ताने मार रहे हैं कि तुम्हारे तो भगवान है ना तुम्हारे गुरुजी, उन्होंने तो सिकंदर लोदी का रोग ठीक कर दिया, उन्होंने तो कमाल को जीवित कर दिया, कमाली को जीवित कर दिया हैं, और रामानंद जी को जीवित कर दिया, तो क्या तुम्हारे घर पर वो आटा नहीं पैदा कर सकते? यानी ये जानकर और क्रेडे हो गए, किसी ने आटा नहीं डाला, हालांकि पहले मना नहीं करते थे, आपस में लेन देन हो जाता है, उस दिन तो उधारा भी नहीं दिया। अब संबंध से नेकी ने कहा कि कोई भी उधारा नहीं दे रहा है, तो संबंध ने कहा कि ला तेरी चूंदड़ी दे दे, तेरा ये चीर दे दे जो उसने ओढ़ रखा था, इसको गिरवी रख कर आटा ले आऊंगा। नेकी ने कहा कि ये फटा हुआ है दो तीन जगह से, मैं ये भी लेकर गई थी किसी के पास कि मेरा चीर गिरवी रख लो और तीन से आटा दे दो, किसी ने नहीं दिया कि फटा पड़ा है। अब सम्मन एकदम कलेजा पकड़कर बैठ गया जमीन पर, हे भगवान आज क्या बनी, पहली बार परमात्मा आए हमारे घर पर और आज हम इनको आहार नहीं करा सकते, बहुत चिंतित हो गया। तब नेकी ने कहा कि ऐसी बात नहीं बनेगी, चिंता मत करो, कुछ उपाय बनाते हैं। वो कहने लगा क्या उपाय बनाएंगे, अब कोई उधारा दे नहीं रहा, ऐसा हमारे पास कोई कपड़ा नहीं जिससे हम गिरवी रख दें, कोई ऐसा आइटम नहीं घर का, अब क्या उपाय बनेगा, अब तो हम तो शर्म के मर जाएंगे, क्या क्या कहेंगे गुरुदेव कि हम भोजन नहीं करा सके, भूख लगी है गुरु जी को। तो नेकी ने कहा कि आप ऐसा करो, रात्रि के समय चोरी कर लाओ तीन से आटा और गुरुदेव को और तथा इन भक्तों को खाना खिला देंगे वक्त से। अब कहो गुरुदेव को कि विश्राम करें, ज्ञान ध्यान कर लें और सुबह वक्त से भोजन बनाएंगे, ये समझ जाएंगे। तो नेक संबंध कहने लगा चोरी करके लाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं। तो लड़का सुन रहा था सेव, वो कहने लगा माता जी गुरुजी भी बताते हैं और आप भी कहा करते हो कि चोरी करना महापाप होता है, और आज हम चोरी करेंगे, हमारा तो भक्ति का नाश हो जाएगा, चोरी महापाप होती है। तब नेकी ने कहा बेटा चोरी को दान कर देंगे हम, वो पाप नहीं कल्याण का कारण होगा। तो सेव ने कहा माई माता चोरी तो चोरी ही होती है, दान कर दे चाहे ना कर दे, चोर तो चोरी ही कहलाता है, चोर के मन में जब दोष आता है तभी तो चोरी करता है। तब नेकी ने कहा बेटा बात सुन ले, इस नगरी के लोगों के पास धन बहुत है और ये माया इस जीव की दुश्मन होती है, आज इनके माया का नशा बन गया बेटा, और इस नगरी से यदि कबीर परमेश्वर अपने गुरुदेव भूखे चले जाएंगे इस नगरी का नाश हो जाएगा बेटा, ये पूरा नगर खत्म हो जाएगा, ये सत्कर मान लेना। यदि तूने इस नगरी को, क्योंकि हमने इसमें अपना जीवन निर्वाह किया है, इनको बचाना है तो बेटा चोरी कर लाओ। तो सेव कहने गया ठीक माता। फिर कथा सुनाई, माता ने कथा सुनाई कि एक नगर में ऐसे ही माया के ये पुजारी रहा करते थे, ये माया के धनवंत रहते थे, एक सिद्ध पुरुष और उसका शिष्य आकर के नगरी से बाहर जंगल में बनी में बैठ गया,
अब वो इतने अभिमानी हो गए थे पैसे वाले व्यक्ति, किसी को दान दक्षिणा भी देनी बंद कर दी थी उन्होंने। अब उस सिद्ध पुरुष ने उस लड़के को भेजा अपने को कि जा बेटा भिक्षा मांग ला। नगरी में वो लड़का युवा लड़का था, 15-16 साल का, जा 18-19 वर्ष का होगा। अपनी झोली लेकर के पहुंचा नगर के तकरीबन सभी घरों में, उसने अलख जगाई, आटा दो माई, आटा दो माई, तो सभी ने उनको धमका दिया कि मस्टंडो तुम अपना काम करके क्यों नहीं खाते, मजदूरी कर लो कहीं पर, मांगने आ जाते हैं यहाँ पर, शर्म नहीं आती है। लड़का वापस चला गया और कहा गुरुदेव किसी ने भी आटा नहीं दिया और बहुत कुछ बातें बनाते हैं। अब वो सिद्ध पुरुष था, उसने कहा कि जा एक बार फिर जा बेटा, वो दोबारा फिर गया। ऐसे ही वो खाली आ रहा था, जब वो वापस आ रहा था उसी नगर के बाहर की तरफ एक कुम्हार का घर था और उस कुम्हारी ने वो पहले दिन भी जाता देखा, खाली आता देखा। विधवा थी, उसका पति मर चुका था, 2-4 बच्चे थे उसके। उसने अगले दिन भी देखा कि ये नहीं डालेंगे इनको कुछ, इन्होंने देना ही नहीं है नगर वालों ने, इनको तो माया का अभिमान है। तो उस कुम्हारी ने पूछा उस शिष्य से, उस साधु बालक से कि बेटा महाराज आटा नहीं मिला, अक नहीं माई, किसी ने नहीं डाला। तो उसने कहा भाई देख कल भी देख तेरे को देखा मैंने, और बेटा मुझे अपने पुत्रों की तरह तेरे में ममता बन गई है कि मेरा बेटा अगर ऐसे भूखा रह जाए 2 दिन से क्या बीतेगी उसके ऊपर। भाई मैं कुमारी हूँ, जात से कुमारी हूँ, और तू ये रोटी ले जा बनी बनाई, और अपने गुरुजी से बता देना बेटा बाद में खाना, कहीं वो फिर मुझे शराप ना दे दे। भाई कई महात्मा ऐसे होते हैं जो अन्य जाति वालों का नहीं खाते, ब्राह्मण बणियों का ही खाते हैं या क्षत्रियों का खाते हैं। उसने ऐसा ही किया, ठीक है माई दे दो। अब उसने जाते अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव पूरी नगरी में घूमा, किसी ने आटा नहीं दिया, उल्ट सुलट बातें बना रहे हैं, बहुत भली बुरी कह रहे हैं आपके बारे में, मेरे बारे में। और बाहर की तरफ एक कुम्हारी का घर था, उसने सारी कहानी बताई, उसकी आंखों में आंसू आ गए गुरुदेव, और वो कह रही थी बेटा अपने गुरुदेव को बता के फिर ये रोटी खाना। ये रोटी उसने दी है 2 व्यक्तियों की। तब उसने कहा संत ने के बेटा तू रोटी खा ले, भूख लाग रही थी, बच्चे ने भोजन खा लिया, और बेटा अब नू कर रख दे, मैं भी खा लूंगा बाद में, और अब तू वापस जा। उस माई ने कह दे कि सूर्य अस्त होने से पहले पहले इस नगरी ने त्याग दे, और जहां भी तू पहुंच जाएगी सूर्य अस्त से पहले पहले वहीं रुक जाना, तेरा वहीं बस जाएगी, तो तेरा पूरा वंश चलेगा वहां पर, और उसको बता देना किसी से कहे नहीं ये बात जो हम बताने जा रहे हैं, रात्रि के समय ये नगर नहीं रहेगा, ये सारा खत्म होगा। अब लड़का वापस आया, उसने सोचा माई थी नोकूंगा तू घर छोड़ दे, तो यह भी नोक सोचेगी अच्छी आपत मोल ली रोटी खुआ कर मेरा घर छूट गया। तो उसने सारी कहानी बताई कि माई हमारे गुरुजी बहुत पहुंचे हुए महापुरुष हैं और इस नगरी से बहुत दुखी हो गए हैं कि इनमें इतना अभिमान हो गया, ये राक्षस टाइप हो गए हैं, भगवान से भी नहीं डरते, और अतिथि को तो वैसे भी आहार करा दिया करते हैं, और ये इतनी बकवास कर रहे हैं, आज ये नगर माई रात ने ख़त्म हो जाएगा, और अब दिन के 12 बजे हैं, तू निकल जा फटाफट, अपने सारे सामान को लेकर चली जा, जहाँ सूर्य अस्त हो जाए दिन छिप जाए तू वहीं रुक जाइए, तू वहीं बस जाएगी, आशीर्वाद है गुरु जी का। अब उस समय उसको पता होता था कि सचमुच साधु ने जो वचन काट दिया वो टला नहीं का, उसने तो उसी समय अपने बच्चों के साथ अपने गधा पर सामान लाद दिया और चल पड़ी, सूर्यास्त जहाँ हुआ वहाँ रुकेगी। तो रात्रि के समय वो पूरा नगर उस संत ने नष्ट कर दिया कि इसे राक्षसों को तो एक का दिन खत्म कर दिया जाए तो अच्छा है, तो पूरा नगर खत्म हो गया। कहते वहाँ से फिर
वो माई दूर जाकर बस की, फिर वहाँ लोग इकट्ठे हो गए, अभी कैसे का उन्होंने सारी कहानी बता दी कैसे ऐसे। तो वहाँ लोगों ने इकट्ठा होकर उसको ज़मीन भी दे दी, उसके निर्वाह के लिए पैसे भी दे दिए, उस माई के ठाठम ठाठ कर दिए और उनका नाश कर दिया। तो धर्म तो दसके नहीं, दसके तीनों लोग, खैर आए तुम्हें खैर है कि जा तुम लोग। अब यह कथा सुनाई उस नेक्की ने अपने पुत्र से उतर कि बेटा इस नगरी का न्यू नाश हो जाएगा, इसको बचाना है और परमात्मा को इन्हीं का अन्न खवाना पड़ेगा, नहीं तो बात बिगड़ गई कति। ये तो अभी मानी हो रही, आसमान में चल रहे हैं आजकल, सातवें आसमान पर घूम रहे हैं इनके दिमाग, और माया जीव का नाश होती है बेटा। तो छेव ने कहा माता फिर हम चोरी करेंगे। रात ने पिता पुत्र दोनों चोरी करने चल पड़े एक सेठ की दुकान में, घर में सुराख बना लिया। और सम्मन ने कहा बेटा तू बाहर रहना शेव से, और मैं अंदर से कुछ आटा चुरा के लाऊंगा, केवल 3 शेर, ज़्यादा नहीं चुराएंगे, कुछ भी नहीं लेंगे। और अब शेव ने कहा पिताजी आप इस लाला जी की पहुंच यहाँ के राजा तक है, और आप पकड़े गए तो पिताजी आपको सूली तोड़ देंगे ये लोग, और मैं बालक हूँ, मैं पकड़ा भी गया तो मुझे बख्श देंगे। तब उस सम्मन ने कहा नहीं बेटा, अगर तेरे को फांसी दे दिया तो हम किस कारण जिएंगे। तब सेव नहीं माना कि नहीं पिताजी मैं बालक हूँ, मुझे मेरी क्षमा हो सकती है। ऐसे कहते कहते उस सुराख के अंदर से, सेंध के अंदर से पाड़ ला रखी थी समझ लो, उसके अंदर से सेव घुस गया बनिए की दुकान में। सम्मन ने कहा बेटा 3 शेर से ज़्यादा नहीं लाना, अंदाजा सा 3 शेर ले आना, 3 किलो। अब सेव ने अंधेरे में आटा ढूंढ्या, अंदाजा सा अपना डाल के 3 बुक और चालन की तैयारी करी। इतने में खुड़का हो गया, आवाज होगी जोर की, एक तराजू पर पैर टिक गया, वो एकदम बहुत जोर का आवाज वाई हुई तो बनिया वहीं सो रहा था वो जाग गया लाला जी, और पकड़ के उसको पहले दीपक जलाया फिर पहचान लिया, अच्छा तू तो सम्मन का है, सम्मन का, अरे भगतो चोरी करने लग गए, पकड़ लिया। तो सेव कहने लगा लाला जी शोर ना करे, 3 शेर आटा लिया है, हमारे घर गुरु जी आ रहे हैं उनके लिए भोजन करवाना था। तो लाला जी कहने लगे अच्छा अच्छा, अरे चोरी तो वो करवा रहा है तुम्हारा गुरु, वो चोरी करवाने आता है यहाँ पर, ठीक है आज राजा से पेश होकर कहेंगे ये आता है ये चोरी कराता है, ये तो अच्छे आदमी थे चोरी करते ही नहीं थे। अब सम्मन भी सुना इस आवाज ने, सेव भी सुन गया, उन्होंने सोचा भाई जुल्म हो गया, गुरुदेव को आहार तक करा नहीं सके, अब ये सुबह गुरुदेव की बेइज्जती करेंगे ये लोग, राजा के पास पेश करेंगे और ना जाने के सजा दिवाएंगे। जब लाला जी ने उसको पकड़ना चाहा सेवू को, उसने कपड़े में बांध रखा था और 3 सिर आटा उस सुराख में से बाहर फेंक दिया और कहा पिताजी मैं तो पकड़ लिया लाला जी ने, और आप ले जाओ इसको गुरुदेव को भोजन करा के शीघ्र रवाना कर देना। अब सम्मन लेकर के उस आटे को घर पे आ गया। नेकी ने पूछा पुत्र कहाँ है, सारी कहानी बताई कि लाला जी ने पकड़ लिया और हो सकता है कल वो गुरुदेव को भी पकड़ के राजा के पास पेश करेंगे, और कह रहा था वो लाला जी के चोरी तो इनके गुरु कराते हैं, ये तो ठीक आदमी थे, कभी चोरी करते नहीं थे, अपना मेहनत करके खाते थे, और कल राजा के पास जा करके उसको इनके गुरु को सबक सिखाएंगे। नेकी कहने लगी तू वापस जाओ, और लड़के का सिर काट लिया किसी तरह बकाबकू का, एक बार बाहर गर्दन निकाल ले और चाहे इतने अंदर घुस के काटना पड़ा उस बच्चे का सिर काट लिया, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, कल बच्चे को पहचान लेंगे और सारी बात बिगड़ेगी।
अब सम्मन लेकर हाथ में करद इतनी लंबा चक्कू और पहुंच गया। उधर से शिव के मन में भी यही प्रेरणा थी, है भगवान मेरा पिताजी मेरा सिर काट ले जा किसी तरह। और लाला जी फिर डर जाएगा, कहीं जिक्र नहीं करेगा, कहीं नहीं बताएगा। अब सम्मन जब आया, सम्मन ने कहा कि बेटा सेव दो बात जरूरी करनी है, एक आवश्यक बातें करनी है। एक बार तू सिर निकाल ले इस सुराख से बाहर, फिर तो हम नहीं मिल पाएंगे बेटा, तुझे पकड़ा देंगे ये पुलिस को, फिर पिता पुत्र को मिलने नहीं देंगे ये लोग। दो बात तेरे कान में बताऊंगा। उधर से सेव ने कहा लाला जी मेरा पिताजी आया हुआ बाहर, कोई जरूरी काम बताना चाहता है, एक बार मुझे छोड़ दो। सेठ बोला तू भाग जाएगा, ऐसे कैसे छोड़ दो, तू भाग जाएगा। उसने कहा नहीं भागूंगा मैं, आखिर नहीं कोई विश्वास नहीं। अब सेव ने कहा कि आप मेरे पैर कर सा बांध दो, इतना लूज कर दो, इतना ढीला छोड़ दो कि मैं केवल गर्दन बाहर निकाल लूं, बिल्कुल फ्री ना करो। अब लाला जी ने सोचा भाई के हो गया, एक तीन शेर चूने तो ले गए हैं बेचारे, ढीला बांध दिया रस्सा थाम के बांध रखा था और कर दिया ढीला, ले बतला ले। उन्हें सिर बाहर निकाला, जब बाहर सिर निकाल लिया तो सेव बाट इंतजार कर रहा है कि पिताजी कोई बात कहे, लेकिन बाप था हाथ पीछे का पीछा रहेगा, वो कर्द छुपा रखी थी, तलवार छुपा रखी थी। तब उस लड़के ने कहा 12-13 वर्ष के बच्चे ने कि पिताजी मेरी गर्दन काट ले जाओ, यदि आप मेरे बाप हो तो मेरी गर्दन काट ले जाओ। इतना कहते ही सम्मन में भी करंट सा आ गया और बेटे की गर्दन काट के शीश नठा ले गया। नेकी बोली इसको ताक में रख दे, यानी अलमारी के एक हिस्से में, और फिर कहा कि अब तू फिर वापस जा। नेकी बोली तू वापस जा, लाला जी उस बच्चे के शरीर को अपने घर नहीं रखेगा कि तो बाहर फेंका होगा, वो इस डर से कि कहीं तेरे ऊपर कत्ल का केस ना लगा दें ये। अब लाला जी ने देखा कि तो लड़के की हत्या होगी, तेरा नाम मंडा जाएगा, तू मर गया। उसने बच्चे का पकड़ी बाजू और घसीट लेकर रात में एक पजावा था, पजावा पजावा होता है जहाँ पर ईंटें पकाया करते कुमार लोग, ऊंचे ऊंचे उसमें खंडर से हो जाते थे मिट्टी मिट्टी खोदन के, उस पजावे में फेंकाया। और उधर से जल्दी वापस आकर के लाला जी ने अपना जो सुराख रखा था चोरी करने के लिए वो निशान भी मिटा दिया फटाफट। रात नहीं वो ईंटें लगा लगू के उसके ऊपर प्लस्टर कर दिया, मड प्लस्टर जैसे पहले हो रहा था, और सूखी मिट्टी मार मूर के ऐसा कर दिया जैसे चोरी हुई ही नहीं थी। अब सम्मन जब वहाँ पहुँचा वापस, देखा लड़के के जो घसीट कर ले गया था सबको, वो चिन्ह उन निशानों के साथ साथ जहाँ भी वो लड़का का धड़ पड़ा था उठा लिया और अपने घर पर कमरे में रख दिया। उनका उद्देश्य ये था कि इस घटना का किसी को पता ना लगे और कहीं हमारे पिताजी की बेइज्जती ना हो जाए, हमारे गुरुजी की बेइज्जती ना हो जाए। अपने आत्मा इकलौता पुत्र वो मरा पड़ा है और माँ रोटी पोर लग रही है, गुरुदेव के लिए अपने भक्तों के लिए अतिथि के लिए भोजन बना रही है। और सम्मन ने कहा था रोइए मत ना, रोगे तो गुरु जी को पता लग जाएगा, फिर वो भोजन नहीं खाएंगे, भूखे हैं कल के। तो नेकी भी कहने लगी मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी, गुरु जी फिर भोजन नहीं करेंगे, मुझे भी पता है, रोटी बना दी यानी भोजन तैयार कर दिया और तीन पात्रों में डाल दिया और कहा महाराज जी भोजन पालो, यानी बखत से उठा दिए, खा पी कर चले जाएंगे बाद में कहीं इनको पता लग जाए। वक्त से भोजन बना दिया, परमात्मा कबीर देव जी साथ में वो दोनों भक्त आकर बैठ गए लाइन में पंक्ति में, तीन पात्रों में भोजन डाल रखा था। तब परमेश्वर ने कहा बेटा इनको छह पात्रों में कर दो, तीन तुम हो तीन हम हैं, आज इकट्ठा ही बैठकर खाएंगे।
अब फंस की बात, संबंध कहता नहीं गुरुदेव आप खाओ, हम तो बाद में खा लेंगे, आपको भूख लगी है, कल के भूखे हो। परमात्मा बोले भी नहीं, जो मैं कहूँ वैसे करो। उन्होंने 5 पात्रों में डाल दिया। गुरुदेव ने कहा नहीं 6 में डालो इनको। वो सारा भोजन को डिवाइड कर लिया, वो तो उतना ही था सारा ही बना बनाया, 6 पात्रों में डाल दिया। और उनने सोची ई पूछेंगे सेव कहाँ है, और झूठ बोलेंगे तो मर गए, सच्ची बोलेंगे तो रोटी खानी। बहुत चिंतित हो गए, बहुत चिंतित हो गए। अरे ये तो टेंशन फ्री परमात्मा है, टेंशन फ्री करने वाले। उनसे नहीं पूछा मालिक ने, कहा कि आओ सेव जी मिलो, ये प्रसाद प्रेम और सिर कटते हैं चोरों के, साधों के नित सेम। कहते हैं सेऊ धड़पे शीश चढ़ा और आ बैठा पंगत माही, और नहीं निशानी गर्दन का यू ओ सेऊ अकनाही। बोलो सतगुरु देव, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। और माता पिता ऐसे देख रहे हैं, निशान ढूंढ रहे हैं बच्चे का, उठ कर गए जाकर देख का है, धड़ कहीं वहां तो नहीं है ना, धड़ देखा नहीं है, ताक में शीस देखा अलमारी में नहीं है, वहां रक्त के छींटे लगे पड़े हैं। तो पुण्यात्माओं, केवल एक लक्षण से, केवल एक लक्षण से भगवान की पहचान नहीं होती। अब हमने सिर्फ श्री कृष्ण जी को एक चमत्कार से के मोर ध्वज राजा के पुत्र तामर ध्वज को आरे से 2 फाड़ खवा के मृत हो गया था, उसको जीवित कर दिया, हमने उसको परमात्मा की संज्ञा में ले लिया और आज तक गुणगान किए जा रहे। और ये परमात्मा का इतिहास, उनकी जीवन लीलाएं भरी पड़ी हैं, इनको क्यों नहीं हमने स्वीकारा? क्योंकि परमात्मा से परिचित नहीं था कोई। जो महापुरुष परमात्मा से परिचित हुए उनकी भी किसी ने नहीं मानी, जिस कारण से अभी तक ये परमात्मा हम तक परिचित नहीं हुआ और हम इनको पहचान नहीं सके, जिस कारण से हम भटक रहे हैं। अपुण्यात्मा, दूसरा लक्षण भगवान का क्या बताया है कि जैसे भगवान निर्धन को धनवान बना दे, रंक को राजा बना दे, इसके लिए श्री कृष्ण जी को किस लिए हमने भगवान माना था कि विपर सुदामा का एक मकान बना दिया था। अपुण्यात्मा, ब्राह्मण हो तो सुदामा जैसा हो, सुदामा जी और श्री कृष्ण जी ये क्लास फैलो थे, सहपाठी थे, क्रमानुसार श्री कृष्ण जी द्वारका के राजा बन गए और विपर गरीब था, इतना गरीब था कि उसको कभी कभी तो बच्चे भूखे सो जाते थे। और वो अपनी पत्नी को बताया करते थे सुदामा जी कि मेरे जो द्वारका के जो राजा हैं श्री कृष्ण, वो मेरे सहपाठी थे, क्लास फैलो थे, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, मेरी बहुत श्रद्धा करते थे, ब्राह्मण होने के नाते मुझे पूज्य समझते थे, हम सहपाठी होते हुए, हम उम्र होते हुए मेरा इतना आदर करते थे। अब सुदामा की पत्नी ने कहा कि फिर आप जाओ राजा से कुछ मांग लाओ, हम बहुत दुखी हो गए हैं टोटे में। अब सुदामा जी कहा करते थे ब्राह्मण का काम मांगने का नहीं होता है, जो मांगे सो बढ़वा कहिए दर दर फिर अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण जिसका मांगना पीवा पानी, ब्राह्मण का काम मांगने का नहीं होता। हम अपनी कथा कहानी कह करके वैसे थोड़ी बहुत दक्षिणा ले सकते हैं, मांगेंगे नहीं, कोई अपनी स्वेच्छा से दे तो सुदामा जी भ्रमित नहीं किया करते थे जनता को,
सत्य कथा जितना उनको ज्ञान था उतना ही बताते थे। तो जनता का एक स्वभाव है कि जब तक उनको कोई पाखंड ज़्यादा ना दिखावे उसके साथ नहीं लगते। तो सुदामा जी की स्थिति घनी गिर गई, बिल्कुल बहुत बुरा हाल हो गया। पत्नी के बहुत बार कहने के उपरांत सुदामा जी ने सोचा, या रोज लड़े हैं, चल आज एक चक्कर लगायाता हूँ। उधर से पहले जैसे अपन जाते हैं, कोई तो फल ले जाता है, कोई मिठाई ले जाता है, ये पहले से ऐसी थी कुछ रास्ते में, और कुछ वहाँ आदर सत्कार के लिए जिस मेहमान के जिसके भी जाते थे रिश्तेदार के, लेके जा करते कुछ खाद्य पदार्थ। अब गरीब ब्राह्मण के घर पर कुछ नहीं था, उसकी पत्नी ने थोड़े से चावल बुन के बांध दिए, अगले ये सत्कार के लिए ले जाओ राजा के घर, श्री कृष्ण के घर। अब आप जी ने सुदामा जी की कथा तो बहुत बार सुनी है, अब देखो श्री कृष्ण जी सतोगुण प्रभु हैं, विष्णु जी अवतार हैं, और श्री विष्णु जी के छाती में लात मार दी थी एक बरगु नाम के ऋषि ने, तो भी उन पर क्रोध नहीं किया था, इतने नेक आत्मा के हैं। अब सुदामा जी के फटे पुराने कपड़े, द्वार पे जाके खड़ा हो गया महल के राज दरबार के द्वार पे, उनको कहा कि जाओ भाई, कहो श्री कृष्ण जी के आपका मित्र सुदामा आया है। श्री कृष्ण जी को पता चला तभी नंगे पैरों भागा आया, अपने सहपाठी को लेकर साथ गया अंदर महल में। अपुनात्माओं, श्री कृष्ण जी ने पूछा कि और मित्र सुना, बच्चे परिवार कैसा है? तो सुदामा जी ने कहा, भगवान आपकी रजा से सहकुशल है, किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है, आपका पंजा तो हमारे सिर पर है। अपनात्माओं, ये भी ब्राह्मण हैं, श्री सुदामा जी ब्राह्मण हैं, उनका मुंह नहीं फटा कि तू कुछ पैसे दे दे, कुछ धन दे दे मेरे को। कहा कि आपकी दया से ठीक है, सब मौज हो रही है, कोई अभाव नहीं किसी वस्तु का। अब श्री कृष्ण जी को पता लग गया उसकी स्थिति को देख कर, फटे पुराने कपड़े, रातों रात वहाँ पर भेज दिया विश्वकर्मा और वो कारीगर सारे, सुदामा जी का एक सुंदर मकान महल बना दिया द्रावड़ देश में। और उधर से एक हफ्ता 10 दिन सुदामा जी को अपने पास रख लिया, घर जाने दिया नहीं। अब हफ्ते 10 दिन के बाद या जो भी समय था उसके बाद सुदामा जी चलने लगे कि मुझे अब आज्ञा दो, बच्चों को संभालूं जाके। श्री कृष्ण जी ने उनको एक सुंदर कपड़े पहना दिए, बहुत बढ़िया मलमल के, और वो पहनकर चल पड़े। अब देखो वो क्या सोच रहे हैं सुदामा जी रास्ते में, कि भाई देखे मित्र, मेरे से न्यू पूछा है, और तो कुशल है, क्या उसकी आंख फूट गई थी मेरी, की सतीची थी क्या, श्री कृष्ण को पता नहीं चला कि मैं कितना कंगाल हूँ, हैं, और मेरे तो पूछा है, मेरे से कवाना चाहो है, देख लिए मित्र भी, इतने मन में दोष आ गया उनके। उस दोष का भी उनको फल भोगना पड़ा। बिलों ने सोचा, जंगली लोगों ने सोचा कि कोई सेठ आ रहा है, इतने गजब के कीमती कपड़े पहन रहा, और अवश्य पैसे पाओगे। उन्होंने देखे उसकी जेब डटोली कुछ भी को ना, वो कपड़े काट लिए सारे, वह धोती भी खोल ली, वो कपड़ा भी उतार लिया, वो नकी मतलब था नंगा हो गया कति। अब उसको इतना ताबास हो गया कि भगवान के बारे में मैंने गलत बोल दिया, सजा मुझे इसलिए मिली है। अब घर जाकर देखा उसका तो सारा कुछ माहौल बदल रहा था। इस कारण से श्री कृष्ण जी को भगवान मान लिया कि उसने, भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा का महल बना दिया। अरे ये तो एक कोई मुख्यमंत्री या मंत्री मित्र हो जाए, इतना सारा तो दे दिया आज, और ना कल्याण श्री कृष्ण जी का ना सुदामा जी का, जो असली उद्देश्य है मनुष्य जीवन का वो तो न्यू का न्यू रह गया दोनों का। अब सुनाते हैं आपको उस परम पिता परमात्मा की समर्थता, कबीर भगवान की। एक तैमूरलिंग नाम का लोहार था, मुसलमान लोहार था तैमूरलिंग नाम का, इतना गरीब था वो, अन्य साहूकार सेठ पैसे वाले व्यक्तियों की भेड़ बकरियां चराया करता था, और वो उनको
वर्ष में 6 महीने में कुछ कणक दे देते थे। पहले ऐसा ही होता था, कपड़े दे देते कुछ, या गेहूं आटा बाजरा जो भी वो दे देते थे। और केवल वो 2 माँ बेटा थे, पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उधर से वो उससे भी गुजारा नहीं होता था उनका, तो एक लोहार के अहरण पे वो ओवर टाइम कराया करता, सामने आकर उसका चोट मारा करता, जैसे कोई चमटे पलटे बनाया करते या फाली फूली ठीक करा बनाया करते थे, ऐसे गुजारा हो रहा था। अब तैमूरलंग की माता बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी, कोई भी साधु संत या अतिथि आ जाता था उनके द्वार पर, आप भूखे सो जाते थे लेकिन अतिथि को आहार कराते थे। कई बार तो ऐसी स्थिति आई है कि अपना आहार अतिथि को खिलाकर वो माँ बेटा भूखे सो जाते थे। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी एक जिंदा महात्मा के रूप में आए, और तैमूरलंग बकरियां चरा रहा था, भेड़ बकरियां चरा रहा था साहूकारों की, और वो बकरियां आसपास चर रही थी, वो बैठा था वृक्ष के नीचे, भोजन खा लिया था उसने। तब परमेश्वर आए, सलाम वालेकुम कहा। अब तैमूरलंग ने उसका प्रति उत्तर दिया और कहा, भगवान अतिथि को, क्योंकि स्वभाव था उनका माँ बेटिया का, अतिथि को भोजन की अवश्य पूछते थे राह चलते को। तो परमेश्वर से कहा उसने तैमूरलंग ने के बाबा भोजन पाओगे? परमेश्वर ने कहा बेटा भूख लगी है। तैमूरलंग ने कहा भगवान हम बहुत गरीब हैं, आपको आहार अवश्य कराएंगे हम, और आप यहाँ मेरी भेड़ बकरियों को देखना, मैं भोजन कर चुका हूँ, पहले आ जाते तो भगवान मैं अपने आहार से आपको आहार देता, लेकिन आपको आहार अवश्य कराएंगे, ये हमारी माता का हमें जो है ना एक संस्कार डाल रखा है, आपको भोजन बिना जाने नहीं दूंगा मैं भगवान, और आप एक ध्यान रखना कोई भेड़ बकरी गुम ना हो जाए, हम बहुत गरीब हैं, एक भी बकरी अगर गुम होगी तो हमसे उसके पैसा नहीं दिया जाएगा, आप ध्यान रखना। परमात्मा बोले जाओ बेटा मैं खूब संभाल के रखूँगा। नगरी से बाहर खेतों में बकरियां जंगल में बैठी थी, चर रही थी, भगवान वहाँ रखवाले हो गए, पाली खड़े हो गए। तैमूरलंग घर पे आया और कहा माता एक साधु भूखा है, भोजन बनाओ। माँ ने उसी समय जितना भी घर पे आटा था सारे का भोजन बनाया, एक रोटी का ही आटा था वही लेकर चल पड़े, शाम को भी नहीं था उनके पास। और माँ ने कहा बेटा मैं दर्शन भी कराऊंगी और साथ चलूंगी, लोटा पानी का ले लिया जल का और रोटी लेकर चल पड़े। अब वो आई, आके कहा महाराज भोजन खा लो, रोटी रख दी। अब परमात्मा खाना खाने लगे, माई ने कम से कम 4-5 बार प्रार्थना करी, भगवान हम गरीब बहुत हैं। उनको पता होता था कि साधु संत फकीर होते हैं, आशीर्वाद दे दें तो मालो माल हो जाया करते हैं, और ये भी मानते हैं कि ना जाने परमात्मा किस वेश में आ जावे, ये आम कहावत थी। तो माई ने बार बार कहा, परमात्मा ने एक रोटी खा ली, लोटा पानी का पी लिया, तब क्या किया, खड़े होकर के एक बकरी बंधन की बेल पड़ी थी चैन, वह अच्छी लंबी होती है, उसको ऐसे 3-4 बार इकट्ठा करके इतनी कर लिया जैसे मोड़ माड़ के। उस तैमूरलंग के कमर में मारी, 1-2-3-7 मारी उसके कमर में, और फिर लात मारी, मुक्के मारे। अब माई ने सोचा यो बाबा जी चंगर गया, तूने कई बार इसको टोक दिया ना, हमें धन दे दे धन दे दे, हम गरीब हैं, ये मेरे से जो है ना नाराज हो गया और मेरे बेटे को पीट डाला। तो कहा महाराज जी मेरे बच्चे से क्या गलती होगी, इसको किस लिए पीट रहे हो?
तो परमात्मा ने कहा कि माई, जो पहले मैंने सात ये सांगल मारी है ना, बेल मारी है, ये तेरे बेटे को सात पीढ़ी का राज दे दिया, तेरे वंश को सात पीढ़ी का राज बख्श दिया मैंने, और सात पीढ़ी के राज के बाद फिर तुम्हारा राज्य जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, इसलिए लात और मुक्के मारे हैं। अब तैमूरलंग की माँ ने सोचा, बाबा जी तो मेंटल है, ये तो पागल है, हमारे घर पर रोटी खाने का भी उतनी, और साथ भी डीगा राज कैसे होगा हमें प्राप्त, ये कभी हो ही नहीं सकता। इतना सोच रही थी, इतने में परमात्मा अदृश्य हो गए। पहले तो मालिक ने उनको शिक्षा दी थी कि भाई तुम किस धर्म से बिलोंग करते हो, किससे संबंधों ने बताया था कि हम मुसलमान हैं। परमात्मा ने कहा मुसलमान वो है जो मांस छू है नहीं, और तुम मांस खाओ। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 180 को सौगंध जिन्हें कर चलाया, अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक पर बिन नहीं खाली, और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। और क्या बताया परमात्मा ने कि हम मोहम्मद को वहां ले गयो अपने लोक में, इच्छा रूपी वहां नहीं रहे हो, उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज कही रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। ये जो तुम गऊ मारते हो, बकरे काट कर खाते हो, ये आदेश नहीं है तुम्हारे हजरत मोहम्मद का, उसने तो रोजा बंग और नमाज यही कहने करने को कहा था, अब तुम ये गलत कर रहे हो। और परमात्मा ने कहा था कि नाम लो तुम दोनों जने, मैं उपदेश मंत्र दूंगा, मंत्र करना, और तुम माला माल हो जाओगे, ये कौन सी बात है, लेकिन मांस नहीं खाओगे, कोई जीव हिंसा नहीं करोगे। अब उन्होंने सोची भाई किसी तरह हमारा गुजारा हो जाए, और ये सारी यहाँ भर ली थी, नाम ले लिया था तो परमात्मा ने रोटी खाई थी, और खाना खा कर फिर मारे उसका लात और गुस्से सांकड़। फिर महाराज ने परमात्मा ने कहा कि तेरे बेटे को सात पीढ़ी का राज दे दिया। अब वो बुढ़िया का गले नहीं उतरे, क्या सारी झूठ बोल रहे थे। जब वो अंतर ध्यान हो गए तब वो दोनों माँ बेटा कहे तो भगवान थे, और बेटा कहे माँ मेरा एक भी नहीं लगी, मेरा तो कति दर्द नाम का चीज नहीं, मेरा कोई महसूस नहीं हो रहा था, मैं मजाक कर रहे थे भगवंत। दोनों रोवा माँ बेटा कि हमने तो गलत बोल दिया, ये तो भगवान थे, अल्लाह की जात थे, कोई फरिश्ता थे, क्योंकि हम अल्लाह मानते नहीं ना, वो कहते भगवान आकार में आता ही नहीं, जैसी भी उनकी ओली बोली सोच थी उस आधार से अपना संतुष्ट हुए, माँ घर ना आएगी। अब क्या हुआ, कुछ दिन के बाद रात्रि में स्वप्न आया तैमूरलंग को, परमात्मा वो जिंदा रूप में दिखाई दी और कहा बेटा जिस अहरण पर शाम के समय जो तू सेवा करता है जिस लोहार के घर पर, अच्छा उस दिन उस तैमूरलंग जब चोटे मार रहा था अहरण के ऊपर गणते लोहे को सीधा कर रहा था लोहार, तो अहरण के पास चीटियों का बिल था थोड़ी सी दूरी पर, 5-4 फुट की दूरी पर, और उसमें से इतनी चीटियां निकलाई बहुत गुनी, आसपास नो काली जमीन होगी, और वो क्या सोच रहा था कि या अल्लाह तेरी लीला तू ही जाने, एक सींक जितने बिल में ये करोड़ों चीटियां कैसे समा रही हैं। वो काफ़ी प्रभावित सा हुआ उस दृश्य से। तो रात्रि के समय परमेश्वर जब आए उसी रूप में, जिंदा वाले रूप में, स्वप्न में उसको कहा बेटा तैमूरलंग जहाँ तूने आज शाम को चीटियां देखी थी, वो बिल देखा था, वहाँ बहुत सारा खजाना है, उस अहरण को तू मोल ले ले, अहरण के स्थान को, वो ऐसा 20-30-85 फुट की जगह थी और 85 गज जगह होगी, कहने लगे तू उसको मोल ले ले और उसके नीचे खजाना है, एकदम प्रकट ना करना, पहले कुछ बकरियां ले आना फिर बेच देना, फिर घोड़े ले आना बेच देना, ऐसे लोग समझेंगे कि इसने व्यवसाय में जो है ना वृद्धि होगी, ऐसे करना।
सपने में बतला रहे हैं परमात्मा से कि भगवान हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, वो अहर नाला हमें देगा ही नहीं। तब परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा काम है, तू प्रार्थना करना। अब कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू से दर्जीव के आप बगल हो जा। जब परमात्मा ने कुछ करना होता दोनों तरफ पहुंच जाते हैं। उधर से उस अहरन वाले के मन में कई दिन से ये आ रही थी कि ये स्थान थोड़ा है, बाहर मेरा प्लाट पड़ा है थोड़ी सी दूरी पर गांव से दूसरी साइड में, और यदि कोई इसको मोल ले ले तो मैं वहाँ अपना अहरन डाल लूँ, प्रबल इच्छा हो रही इसके। तैमूर लंग ने प्रार्थना कर सुबह उठ कर उसने अपनी माँ से कहा कि माँ आज महात्मा जी दिखाई दिए थे, वह फक्कड़ फकीर दिखाई दिए थे स्वप्न में। उसकी माँ ने कहा बेटा स्वप्न में मुझे भी दिखाई दिए थे, पर उन्होंने क्या कहा ये मुझे स्पष्ट याद नहीं रहा, वो कुछ बोल रहे थे पर मैं भूल गई सब। तैमूरलंग ने कहा माँ मेरे सब याद है, ऐसे ऐसे कहा था। अब माता जी ने कहा ठीक सा बेटा देख ले कोशिश करके। अब जो ही शाम के समय उसने जा कर के अहरन के मालिक से कहा कि भाई मैं भी गरीब आदमी हूँ, आप मुझे ये अहरन दे दो, कुछ एक वर्ष के लिए उधार दे दो, मैं फिर पैसे दे दूँगा आपके, मुझे ये मैं भी अपना कोई गुजारा कर दूँ छोटा मोटा काम करके। तो कहने लगा भाई मेरा फिर तुम कब पैसे दोगे, कब दोगे इसका? कहने लगा एक वर्ष में दे दूँगा मैं। तो उसने कहा एक वर्ष तक जैसा भी समय रखा 6 महीने एक वर्ष का, कि नहीं दिया तो फिर देख ले मैं वापस ले लूँगा। अखा बेसिक वापस ले लेना। 2-4 दिन के अंदर उसने अपना वहाँ से सारा ले गया, वो अहरन भी छोड़ दिया वहीं पर, वो पुराना सा हो रहा था वो, और उसने अपना नया साजबाज जोड़ लिया दूसरे प्लाट में। माँ बेटा ने दोनों ने उसके चारों तरफ एक कच्ची दीवार बना ली, 3-3, 4-4 फुट की, 5-5, 6-6 फुट की, और देखा खोद गए उसमें सचमुच खजाना, हीरे पन्ने जवाहरात सोने की मोहरें मिली। अब उसने उसी तरह शुरू कर दिया, पहले घोड़े भेड़ बकरी लाया वो बेच दी महंगी सस्ती जैसी भी, फिर घोड़े खरीद के लाया वो बेच दिए महंगे बिके थे सस्ते। तो आम जनता को तो न्यू होगी भाई तैमूरलंग का हाथ पकड़ लिया भगवान ने, इसको व्यापार में व्यवसाय में बहुत बेनिफिट होने लग गया। अच्छा बढ़िया अपना मकान बना लिया, अहरन को भी पक्का सा कर लिया। अब पहले वो जब पाली जाता था बकरियों का पाली गया हुआ था बाहर, उसने क्या देखा कि उस नगरी के राजा के नौकर खेतों से चारा लेकर आ रही थी एक लड़की, युवा लड़की नगर की, उसको जबरदस्ती उठाने की चेष्टा कर रहे थे। वो राजा बहुत अस्याई था, बड़ा निकम्मा था, ऐसे बहन बेटियों को उठा ले जाता था, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी उसका कोई विरोध कर सके। अब उस लड़की ने आवाज़ लगाई रे तैमूरलंग मेरी रक्षा करना भाई मेरी रक्षा करना। अब तैमूरलंग ने देखा भी कौन छेड़ रहा है किसी बेटी को। अब ये सूरवीर होते हैं जो वो नहीं रुक सकते किसी पर अत्याचार देख नहीं सकते। अब पाली दौरे तो लठ हो से एक उसके पास तो लठ था, उठा लिया और भाग लिया ताबड़ तोड़। और वो 5-6 जने थे राजा के सैनिक, वो उठा करके उसको घोड़े पर डालने लग रहे थे। उसने जाते उनका मट्टा मट लठ मारे सारे का कट्टा कट मारे, फिर उन्होंने वो कई जने थे वो अकेला था वो पीट दिया बहुत ज़्यादा, यानी मर्द करके डाल दिया मार दिया इसको। लड़की को ले गए थे वह, जिसमें वो होश में आया उसको पता चला कि जुल्म हो गया भाई। तो उसके मन में ये आया कि मैं हे भगवान हे अल्लाह मैं राजा बनूं और इस राजा को सबक सिखाऊं। उसके बाद जबरदस्त खटक लग गई थी, चसक लग गई अंदर कसक, लेकिन गरीब आदमी तो कुछ भी सोचता रहे कैसे पार पड़े थी। पर जब उसके पास ये धन हो गया उसका फेर हुआ अंगड़ाई टूटी क्यों आशीर्वाद परमात्मा का, उसके वही एक टारगेट फिट हो गया कि मैं इस राजा ने के राज्य को प्राप्त करूँगा। उसने जंगल में बहुत गहरे जंगल में जाकर एक अहरन डाल लिया, अहरन ले गया पहाड़ का अपना करते हैं।
और उधर से गांव के नगर के युवा बच्चों से कहा कि भी ऐसे ऐसे देखो, ये राजा जो है बड़ा निकम्मा है, अपने गांव की आसपास के इलाके की बहन बेटियों की इज्जत लूटता है, इसने कूटांगे। सारे हो लिए तैयार, ठीक सब भाई। अब बालक हो है, युवा बालक, यंग ब्लड, उसने उनको समझा दिया भाई इसके लिए तलवार बनावांगे और सेना बनावांगे और सबको एक एक रुपया महीने का दिया करूंगा तुम्हारे को, अपने रिश्तेदारों को और सबको बुला लाओ, जवान जवान बच्चों को, और बताओ नहीं किसी को, और कोई पूछे तो कह देना कि हम फौज में भर्ती हो गए। तो उन्होंने ऐसा ही किया, हजारों की संख्या में सेना तैयार कर ली, तलवार बना ली, लोहार था, डाल बना ली, और भी सहयोग कर लिया कई बच्चों ने लोहार क्या ने। कहने का भाव ये है, घोड़े ले लिए, तलवार ले ली, धन हो गया था उसके पास। सुबह सुबह बकत से राजा का किला घेर लिया जाके और आवाज लगा दी, चारों तरफ घोड़े गूंज रहे हैं। राजा ने कहा अपने मंत्रियों से कि भी किसने आक्रमण कर दिया। अब देखा थोड़ा बहुत सुबह सुबह थोड़ा सा सूर्य उस उदय होने ही वाला था। मंत्रियों ने कहा जी ना जाने कितनी सेना है, चारों तरफ से हमें घेर लिया है और सेना का कोई अंत नहीं है, कई हजार नजर आ रहे हैं और अब और कोई विकल्प नहीं है, सरेंडर करना पड़ेगा। उसने आवाज लगा दी कि या तो हथियार डाल दे, सरेंडर कर दे, नहीं तेरे को खत्म कर देंगे। राजा ने कहा भाई ठीक, देखा खड़ा होकर सचमुच जहां तक देखो सेना सेना दिखे, परमात्मा ने 1,000 को 20,000 दिखा दिए। उस राजा ने तुरंत सरेंडर कर दिया। अब वो पकड़ दिया राजा, उसकी सारी सेना को काबू कर लिया। लेकिन उस समय उसमें दया थी, शेष परमात्मा का आदेश था, उसकी याद थी। उस राजा को उसने मारा नहीं और कहा तू जा चला जा कि तौर अपना करके रोटी खा ले, वो छोड़ दिया, मारा नहीं, लेकिन उसके शासन राज्य पर कब्जा कर लिया।